हाँ जी, और नूह जिले में जल भराव हो गया है, कहाँ कमी मानते? नमस्कार, जय हिंद, सलाम अलैकुम। देखो भाई, आप तो मेरे ख्याल में नूह के सदस्य मानता हूं मैं तो आपको, बेशक अड़ोस पड़ोस के गांव के हैं। आपने देखो, ये समस्या पहले से दिख रही थी, जब पहले कांग्रेस सरकार थी उसको भी पता था, बीजेपी की सरकार पहले से ही पता था। जब भी बारिश होती है तो नूह में पानी निकासी का कोई वो नहीं है सारे, हालांकि नूह में जितना पैसा आया है जो कमेटी के अंदर, जो पानी निकासी का और किसी कार्यकाल का, कागजों में पूरा पैसा आया, लेकिन जमीन क्षेत्र में पैसा को सबको डकार गए। आज देखा आपने, आज जिनको पता था बारिश तो आने वाली है, पहले से ही हम भी कह रहे हैं भाई इसका समाधान होना चाहिए। आज देखो नूह की हालत क्या हो रही है, आज ऑटो किश्ती बन गए, आपने देखा बस स्टैंड का पानी भरा हुआ है, लोग सवारियां रोड से और बस स्टैंड जाने के लिए 10 रुपए ऑटो के दे रहे हैं जब क्रॉस करवाते हैं। ऐसे रेस्ट हाउस रोड है, आपने देखा जो हमारे एक्स मिनिस्टर रहे चौधरी आफ्ताब अहमद जी, उसकी कोठी का रास्ता है, उसको पता नहीं है क्या जब भी बारिश होती है तो पानी की निकासी का समाधान है कि नहीं? लेकिन ना तो मौके के जो विधायक वो व्यक्ति में कोई आवाज उठाते हैं, और ना ही प्रेजेंट जो सरकार है उसके जो नेता हैं, मैं कहूं अच्छे अच्छे नेता हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी जेब भर रहे हैं, जो भी पैसा आ रहा है उसको डकार रहे हैं और नूह का कोई विकास नहीं कर रहे। आज आपके सामने जैसे हालात आपको दिखाई दे रहे,